हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 लोगों का डिमांड था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस लाइए। देखिए, कट ऑफ से पहले मैं पहले बता दूं आपका, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता एक्सपेक्टेड कट ऑफ में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी एक रेंज लेके उसको कवर किया जा सकता है। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं हर कैंडिडेट को कि देखिए, कट ऑफ कितनी भी बना लीजिए मेहनत करके, 80% से ज़्यादा सही नहीं होता। मैं कभी कहता नहीं कि मेरा कट ऑफ रियल होगा। हाँ, जब कट ऑफ आएगी तो देखेंगे कि कितना परसेंट सही हुआ कितना गलत हुआ, और एनालिसिस के बाद 80% से ज़्यादा नहीं सही हो सकता। और कट ऑफ इसलिए एक ज़रूरी है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो जान ले कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है, क्या कंडीशन है, कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे मॉक टेस्ट देके हमें एनालिसिस करना होता है कि हम कहाँ पे टिक रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि कट ऑफ आपने 60 बताया था, मैंने 60 ही करके आया। मैं बोलूँ कि जितना कैंडिडेट का अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है और कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गया है, तो क्या 100 में से उसे 90 बन रहा है तो कट ऑफ देख के 90 क्वेश्चन करके आएगा? कोई नहीं करके आएगा। ये बंद सुनने की बात है, लोग बाद में बोलने की बात है कि आपने 60 कहा तो 60 ही मैं करके आया। तो देखिए, हर कैंडिडेट का काम है एग्ज़ाम में जाइए, अच्छा करके आइए, समझ रहे हैं? जितना हो सकता है उतना करके आइए, नेगेटिव नहीं कीजिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है और वैकेंसी का समय भी ज़्यादा है। 2018 से 2022 तक गंगा में कितनी पानी बह गई इसका हिसाब नहीं है। ओह, गंगा तो कहना नहीं चाहिए था, वैकेंसी में कितनी पानी बह गई, मतलब बहुत सारे लोग, कोई एसएससी, कोई ग्रुप डी, कोई और, कोई रेलवे एनटीपीसी। ग्रुप डी इसलिए कर रहा हूँ कि 2018 में बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद सेकंड डीबी, थर्ड डीबी। और यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं मुंबई का, तो मुंबई में तो 10वां डीबी तक आया है, तो हर डीबी में 200 150 300 400 लोगों का कर रहे हैं। वो अच्छे कैंडिडेट निकलते गए 2018 वाले। उसके बाद मन में इच्छा, प्रिपरेशन भी एनटीपीसी में हो जाएगा तो यहाँ पे नहीं जाएंगे, ये सब जगह बहुत सारे फैक्टर लगेंगे। बस एक ही फैक्टर हमारे पास नहीं है जिसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन लेवल। एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे रेंज में। बाकी क्या क्या हमारे पास है यहाँ पे समझिए, आरआरसी ग्रुप डी की 2019 और 18 की दोनों की वैकेंसी है, दोनों को हम अगर डाटा में डालेंगे तो कुछ डाटा तो आएगा ही कट ऑफ के लिए, ठीक है। उसके बाद दोनों का हमें कट ऑफ में 18 का कट ऑफ ऑफिशियल है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का था। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले एक और कट ऑफ आई है, उस कट ऑफ को बोलते हैं क्या, वो आपका होता है 3 गुना कैंडिडेट के लिए पीईटी के लिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का कट ऑफ। हम फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ना कि पीईटी की बात कर रहे हैं। पीटी में तो और इससे एक दो नंबर, दो तीन नंबर कम भी रहेगा तो आपका हो जाएगा, क्योंकि पीटी में 3 गुना कैंडिडेट जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। अब यहाँ पे ये भी मिल गया हमें, उसके बाद हमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी मिल जाएगा दोनों टेबल से, और दोनों टेबल को टाइप करके ये 6 डाटा को मैं एक साथ लाऊँ तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने में मुझे 2022 में आ चुका हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये सभी जोन का हम करेंगे, 16 जोन का, लेकिन इस बार अभी मुंबई का कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी पिछली बार नहीं थी, इस बार है, तो मैं ईडब्ल्यूएस के कॉलम ही अलग कर दूंगा, तो पिछली वैकेंसी से तुलना करने में बहुत आसान हो जाएगा कि ईडब्ल्यूएस का अलग से ही है। और ईडब्ल्यूएस का कटअप के लिए मैं जानता हूँ कि ओबीसी से कम और एससी से ऊपर कट ऑफ रहेगा ईडब्ल्यूएस का, तो इसकी पिछली बिना वैकेंसी के रेफरेंस लिए मुझे इसका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हमें मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें फेवर में है, केवल एग्ज़ाम की कंडीशन, एग्ज़ाम का लेवल छोड़ के, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल ठीक ही होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम का लेवल एनटीपीसी के साथ जैसा होगा, तो देखिए एनटीपीसी का पैटर्न कुछ और होता है। यहाँ पे आपका ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं, जो एनटीपीसी में अलग से डिफाइन नहीं है। और एनटीपीसी में ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर जीए और जीके का था, इसी में लोगों को गड़बड़ ज़्यादा हुआ। यानी यहाँ पे ग्रुप डी में इसका वेटेज बहुत कम है, इसलिए यहाँ ज़्यादा उस टाइप से नहीं होने वाला जैसा कि एनटीपीसी में होने वाला है। सिलेबस आपने देख ही लिया है, सिलेबस में पता ही है, अगर सिलेबस को 4 पार्टों में अलग अलग भी बांट दे तो 25 25 25 और 25, उसमें से 2 चैप्टर मेन महत्वपूर्ण है, मैथ और साइंस।
जितना अच्छा कर लेंगे, आपका रीजनिंग भी करीब करीब कर लेंगे अच्छा, यानी 75 नंबर ठीक ठाक होने वाला रहता है। और ये 25 नंबर जो होता है जीए जीएस और करेंट अफेयर वाला, इसमें थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि एनटीपीसी में आया था। कुछ लोग कहते हैं करेंट अफेयर 2-3 साल का दे दिया, जिसको पीछे वाला भी आ गया, तो ये सारे फैक्टर को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। यानी हमने सिलेबस भी कवर करेंगे तो हमें साइंस का क्वेश्चन अच्छे से कवर होता है, मैथ का, रीजनिंग का कवर हो ही जाता है, बच जाता है केवल एक टॉपिक जो करंट अफेयर का, जो सबका मजबूत नहीं होता, जिनका मजबूत है उनके लिए तो नहीं कर सकते, और उसमें जीके जीएस वाला। अब चलते हैं, इसको लेके चलाते हैं आपको डिटेल में वेबसाइट पे। वेबसाइट पे मैंने अपने वेबसाइट पे इसको बनाया है, ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कटअप जो 2022 में होगा। हालांकि वैकेंसी 1/2019 है। अब इसमें 2019 के बाद 22 में हम आ चुके हैं, तो 4 साल तो लगभग गुजर ही चुका है। जो हमने बोला था गंगा में पानी बहुत गया, वही कहानी यहाँ भी लगेगी, क्योंकि बहुत लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेंगे, बहुत सारे लोगों का मन बदल जाता है, बहुत सारे लोगों ऑलरेडी कई सारी वैकेंसियाँ चलती रहती है, वो सारा का प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पे तैयारी भी छूट जाता है कई लोगों का, सही कह रहे हैं लोग। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों को हम देख लेते हैं। पहले हम तुलना कर लेते हैं वैकेंसी की। आरआरबी सेंट्रल जोन वैकेंसी है, जो आरआरबी मुंबई कवर करता है, मुख्यालय भी सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में ही है। अब यहाँ पे देखिए यूआर की वैकेंसी, ये पहले का था 2341, इस बार 3597 है। एससी का 675 था, इस बार 1398 है। एसटी के लिए 343 93 था, इस बार 759 है। ओबीसी का 1236 था, यहाँ 2656 है। ईडब्ल्यूएस का पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं था, इस बार 935 है। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट इतने हैं, यानी 4625 और यहाँ पे 9345, यानी लगभग लगभग 2 गुना सब में हो रहा है। यूआर को छोड़ दें, यूआर में 2 गुना नहीं है, बाकी में सब में 2 गुना प्लस वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस एक्स्ट्रा में। तो पिछली कटअप में से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाले बाकी कम्युनिटी पे ईडब्ल्यूएस से। अब बच गया सीसीए की बात। सीसीए का पिछले बार कोई लोग वैकेंसी में नहीं आए थे। और एक सर्विसमैन की बात करूं, एक सर्विसमैन की वैकेंसी में ग्रुप डी में बहुत कम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए एक सर्विसमैन कौन होते हैं पता है आपको? वो रेलवे के इंप्लाई होते हैं, नहीं एयरफोर्स के इंप्लाई होते हैं, हाँ आर्मी के इंप्लाई होते हैं, हाँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी के बेसिक 18,000 कुछ वाली है, शुरुआत वाली है, लेवल वन है, छोड़ दीजिए पैसे की बात छोड़ दीजिए, लेवल वन है। और जो आदमी आर्मी एयरफोर्स में 17 साल कम से कम जॉब करके रिटायर हो रहा है, क्या लगता है आपको लेवल वन के जॉब से ऊपर रहता है या बहुत ऊपर रहता है? तो कुछ लोगों का कंडीशन हो सकता है जॉब करने का, तो वो कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोग ग्रुप डी की जॉब नहीं करना चाहते रिटायर होने के 17 साल के बाद, ये कंडीशन है। हाँ कुछ लोग ट्राई करते हैं, तो ग्रुप एक सर्विसमैन वाले जितने भी पोस्ट है लगभग लगभग नॉर्मल कैंडिडेट को मिल जाता है। अब सीसीए की बात करेंगे, तो यहाँ पे सीसीए की जो कैंडिडेट है, मैं टोटल एनालिसिस कर दे रहा हूँ, हर वीडियो में ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि सब आरआरबी में ये नहीं होगा। तो अब सीसीए की बात जब करेंगे, तो सीसीए के लिए देखिए इन्होंने 1/3 स्कोर और 2/3 स्कोर इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। जो आपका स्कोर क्वालिफाई होगा कैंडिडेट किस में, आपके एग्ज़ाम में एनसीबीटी का एग्ज़ाम जो हुआ था रेलवे का, उस पे अंतर पड़ेगा, तो सीसीए वाले करीब करीब अपना सीट ले जाएंगे अगर कैंडिडेट वहाँ उतने होंगे तो। और आरआरबी ने पहले डेट दिया था मॉडिफाई के लिए 31/7/2022, इसको बढ़ा के 10/8 कर दिया। इससे ये लग रहा है कि बहुत लोग ने बहुत अप्लाई नहीं किया, या उनकी अप्लाई करने में कोई दिक्कत है, यानी हो सकता है आरआरबी समझ रहा हो बहुत लोगों का फॉर्म है और वहाँ पे कम लोग ही अप्लाई किए होंगे मार्क्स डालने के रूप में, जिनका नंबर डालना है सीसीए का, जो मेरिट में काम आएगा। और वैसे ही हो सकता है कि लोगों को करने में दिक्कत आ रहा है, दोनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन छोड़िए, सीसीए की जो वैकेंसी है हम मान के चलते हैं सीसीए कवर कर लेगा, नहीं कवर करेगा तो उस वैकेंसी, क्योंकि उनको पीटी में छूट दिया गया है, तो उनकी वैकेंसी को नॉर्मल को दिया जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमारे पास जो 2018 का कटअप आया था मुंबई में, मुंबई कटअप में ठीक ठाक था, बहुत ऊपर नहीं था, अच्छा कटअप था और गुड कटअप था, लोगों को खुश करने वाला कटअप था। और ये कटअप जब 10 डीबी तक आई
तो बहुत कम हो गया था, ध्यान दीजिएगा, ये करीब 66-65 तक आ गया, ये और नीचे आ गया, नंबर हम बात नहीं कर रहे, ये 50 के आसपास आ गया था, ये कुछ और नीचे आ गया था ईडब्ल्यू ओबीसी का भी। यानी जब ये कट ऑफ हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये कट ऑफ वो है जो फर्स्ट बार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आया था। अब इन कट ऑफ से अब का तुलना करेंगे तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये कट ऑफ जो पिछली बार मुंबई का था वही रह जाएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, क्वेश्चन अगर ईजी भी हुआ तभी इसी रेंज में हो जाना चाहिए, वैकेंसी भी ज़्यादा है, कैंडिडेट भी कम है। अब कैंडिडेट के बारे में बात करें, पिछली बार 1.89 करोड़ कैंडिडेट थे इसमें 2/18 में, और इस बार टोटल कैंडिडेट है 1.5, यानी टोटल टोटल लीजिएगा तो 1.6 करोड़। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से अगर डिफरेंस है 73 लाख कैंडिडेट भी कम अप्लाई किए हैं, और 2018 की जब वैकेंसी थी तो 2018 के वैकेंसी 2018 में एग्ज़ाम हो गया, लोगों का उमंग अच्छा था, अच्छे से मेहनत किए और फॉर्म भी भरे थे, अच्छे से तैयारी भी किए। यहाँ तो 2019 से 2022 तक कितने अलग अलग लहर आया गंगा की, यानी कह दे कभी कोरोना का झेल आया, लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया, कभी लगा एग्ज़ाम का डेट आ गया वो चेंज हो गया, कई बार ECA कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल नहीं हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो लोगों के प्रिपरेशन पे तो इस पे अंतर पड़ती है, ये भी है। और सभी लोग जितने भी लगभग लगभग ग्रुप डी में हैं वो NTPTC में भी लगभग लगभग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी और सारी एग्ज़ामों में उनका लगा हुआ है, कुछ तैयारी भी हो रही है। तो मेरा तरफ से ये रेंज रहेगा पहले वाला ही, सेंटर सारा चीज़ें को हमने देख के यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में बताया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखिए 67 पिछली बार था, इस बार 64 से 68 में UR का मेरे तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको हम फाइनल मेरिट की बात कर रहे हैं उसमें पॉसिबल है सेंट्रल रेलवे मुंबई के लिए। उसके बाद आपका AC कैंडिडेट के लिए 55 से 57 नंबर ठीक ठाक है, अगर ST की बात करेंगे 53 से 56 नंबर, अगर OBC की बात करेंगे तो 60 से 65 नंबर, और EWS का मैंने अलग से इस बार लिया है, पिछले बार नहीं था इसका रेफरेंस, तो इसको मैंने देखिए यहाँ से OBC के 60 से 65 और यहाँ 55 से 58, इसके बीच में 58 से 63 ले लिया। तो मेरे तरफ से RRB मुंबई में लगभग यही कट ऑफ रहने वाला है 64 से 68। यानी आप एग्ज़ाम में जाएँ अगर UR फाइट करना है, आप किसी भी कम्युनिटी से हैं आप UR फाइट करना है, 70 नंबर प्लस में लाइए, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आपका PET का कॉल तो रहेगा ही, मतलब कम्युनिटी में रहें तो नीचे आएगा ही, वो तो सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूँ UR में भी फाइट करना है तो आपके पास 70 प्लस ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है, उसमें कुछ गलतियाँ भी होगी, कुछ चेंज भी होगा, तो मान के चलिए कि 70 स्कोर आपका आ रहा है कितने में से 100 में से, तो आपके लिए अच्छा है। अब एक बात और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जब हो सकता है एग्ज़ाम, जब अभी इस बार हो रहा है आपका एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एक शिफ्ट में एक RRC कवर नहीं हो सकती, इससे लिए एक शिफ्ट से ज़्यादा होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये नंबर आपको परसेंटाइल के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो इसमें रहेंगे तो परसेंटाइल के टर्म में आप आएंगे तो यही नंबर कन्वर्ट होगा। तो वो देखिए परसेंटाइल में जब नंबर कन्वर्ट होता है तो 99, 90, 100 उसके टर्म में दिखेगा, लगभग वहाँ पे 99.1111 ऐसे ऐसे टर्म में आएगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है, वो रेलवे करेगा उस पर काम, वो नॉर्मलाइजेशन बाद की बात है, यहाँ पे आपको रॉ स्कोर की बात हो रही है। रॉ स्कोर आपका रो स्कोर जिसको बोलते हैं डायरेक्ट, इतनी होनी चाहिए आपको, तो आपका आगे का प्रोसेस हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।